नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो अपने देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां जानवरों की पूजा होती है, मगर भारत में यह एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मेंढक की पूजा होती है, या यूं कह लीजिए कि यह अपने देश का एकमात्र मेंढक मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये मंदिर आखिर है कहाँ और यहाँ क्यों की जाती है मेंढक की पूजा। तो भारत का एकमात्र मेंढक मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अवल कस्बे में स्थित है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है और मान्यता है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह जगह अवल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शासक भगवान शिव के उपासक थे। इस कस्बे के बीच मंडू के अंतर पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर है। यह क्षेत्र 11वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी तक चहमान शासकों के अधीन रहा। चहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने ही इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण मन मोह लेती है। सामने से मेंढक की पीठ पर करीब 100 फीट का ये मंदिर अपनी स्थापत्य के लिए उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के शिव मंदिरों में सबसे अलग है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ का शिवलिंग रंग बदलता है और यहाँ खड़ी नंदी की मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दीपावली में भी खूब भीड़ होती है। लखीमपुर से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको पहले लखीमपुर आना होगा। आप बस या टैक्सी करके लखीमपुर से अल जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। समय देने के लिए धन्यवाद।